बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो है ज़ोन्स इन लेक इकोसिस्टम। लेक इकोसिस्टम के अंदर अगर हम ज़ोन्स की बात करें, आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, उसमें लेक जो है बनाई वो दिखाई जा रही है। एक्चुअली यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम, अगर हम वाटर के इकोसिस्टम की बात करें तो वो दो तरह का होता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैरीन इकोसिस्टम। यहाँ पर हम लेक इकोसिस्टम जो है वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की टाइप है, हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में से जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो है ज़ोन्स इन लेक इकोसिस्टम। लेक इकोसिस्टम के अंदर जोन कौन को, जोन कहते हैं इलाके को। अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आपको जो है लेफ्ट साइड पे जो है लिटोरल जोन नज़र आ रहा है, यानी कि अगर आप किसी लेक के अंदर जाते हैं, यानी आप किसी झील के अंदर जाते हैं, झील छोटी मोटी नहीं, यानी काफ़ी बड़ी झील की बात हो रही है इस वक्त, तो उस झील के साहिल पे जो आप जाके खड़ा हो जाते, आप जाके जो उस झील के साहिल पे खड़े होंगे, उस साहिली इलाके को हम नाम देते हैं लिटोरल जोन। तो वो जो साहिल वाला इलाका है झील का, उसको हम नाम देते हैं, जो उसका शोर है, साहिल है, उसको कहते हैं लिटोरल जोन। लिटोरल जोन पर अगर आप गौर करें तो लिटोरल जोन पर गहराई कम है, पानी यहाँ पे गहराई कम है, लिहाजा सनलाइट बड़े आराम से यहाँ पे बॉटम तक पहुँचती है, जिस वजह से इस रीजन के अंदर जो है लिटोरल रीजन के अंदर प्लांट्स जो है वो प्रॉपरली ग्रो कर जाते हैं, या फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपरली ग्रो करते हैं, क्योंकि सनलाइट जो है वो प्रॉपर पहुँच रही है बॉटम तक, गहराई कम होने की वजह से। अब अगर आप साहिल से मूव करके आगे चले जाते हैं, आप सेंटर में आ जाते हैं झील के, तो वो जो आप सेंटर में आए हैं, एक्चुअली आप फर्ज करें कि आप कश्ती पे बैठे हुए हैं, तो जो आप सेंटर में आए हैं, सेंटर वाले रीजन को, इलाके को हम नाम देते हैं लिमनेटिक जोन। ठीक है, सेंटर वाला रीजन है लिमनेटिक जोन, यानी लिमनेटिक जोन। अब साहिल से जो दूर वाला इलाका है, अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखे, यानी आप लिमनेटिक जोन वाले इलाके में आते हैं, तो आपको चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा होता है, यानी साहिल करीब नहीं होता, ओपन वाटर जोन है, यहाँ पे हर वक्त हर तरफ ही पानी है। तो लिमनेटिक जोन के अंदर, लिमनेटिक जोन के बिलो नीचे अगर आप देखें तो लिखा भी हुआ है लिमनेटिक जोन के नीचे प्रोफंडल जोन, तो प्रोफंडल जोन हमेशा लिमनेटिक जोन के बॉटम पे नीचे पाई जाती है, यानी सबसे जो नीचे गहरे इलाके, गहराई के अंदर जो जोन है वो है प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन यानी वो रीजन है जहाँ पे लाइट इतना, ये गहरा इलाका है प्रोफंडल जोन वाला, गहराई है कि यहाँ तक लाइट भी रीच नहीं करती। अब जरा हम बात करते हैं इनको स्टेप बाय स्टेप, हम बात करते हैं तो जोन इन लेक इकोसिस्टम। लेक इकोसिस्टम के तीन जोन हैं, तीन हिस्से हैं, पहला है लिटोरल, फिर लिमनेटिक और फिर प्रोफंडल जोन। हम सबसे पहले बात करते हैं लिटोरल जोन। लिटोरल जोन जो है नियर शोर है, देखा ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, अब इन पॉइंट्स को मैं बोलता जाऊँगा कि लिटोरल जोन जो है ये साहिल के करीब वाला इलाका होता है, और साहिल के करीब जो है वो शैलो वाटर होता है, गहराई कम होती है पानी की, शैलो में कम गहराई वाला जो पानी है यहाँ मौजूद है। इसके अलावा जो लाइट होती है वो बॉटम तक पहुँचती है, एंड तक लाइट पहुँच रही होगी इस जोन में। इसके अलावा जो है जब लाइट एंड तक बॉटम तक पहुँचती है, क्योंकि गहराई कम है, लिहाजा यहाँ पे प्लांट्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं, अबंडेंट लाइट की वजह से प्लांट्स बड़े ज्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि लाइट यहाँ पे काफी है, लिहाजा प्लांट्स भी ग्रो ज्यादा करते हैं यहाँ पे। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो बेसिक जो प्लांट्स की टाइप्स है यहाँ पे दो हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स और रूटेड प्लांट्स, और कुछ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी है, माइक्रोस्कोपिक भी ऑर्गेनिज्म भी इस रीजन में पाए जाते हैं। तो हम प्लांट्स की पहली कैटेगरी जो है फ्लोटिंग, जो लेफ्ट साइड पे लिखा है फ्लोटिंग प्लांट्स की बात करते हैं। यानी लिटोरल जोन के अंदर दो तरह के पौधे पाए जाते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो फ्लोट करते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स जो हैं इनकी रूट्स मिट्टी के अंदर नहीं एंकर होती, वाटर के अंदर ही ये जो इनकी रूट्स हैं पड़ी होती हैं, फ्लोट कर रहे हैं पानी पर तैर रहे होते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स की जो एग्जांपल है वो है वाटर लिलीज, यानी कमल का जो फूल है। इसी तरह से दूसरी टाइप के जो यहाँ पे प्लांट है वो है रूटेड प्लांट्स, कि आपको कुछ ऐसे भी प्लांट मिलेंगे जिनका साइज बड़ा है और वो उनकी रूट्स जो है वो मिट्टी के अंदर एंकर है, बॉटम के अंदर वो उनकी रूट्स एंकर है। तो रूटेड प्लांट्स के अंदर जाइलम और जो फ्लोइंग है वो प्रेजेंट है, इसलिए हम कहते हैं ये वैस्कुलर प्लांट्स हैं, क्योंकि इनमें वैस्कुलर बंडल मौजूद है, जाइलम फ्लोइंग। अब रूटेड प्लांट्स दो तरह के आपको मिलेंगे इस इलाके में। एक रूटेड प्लांट आपको ऐसे मिलेंगे जो सबमर्ज्ड होंगे, मतलब वो पानी के अंदर डूबे हुए होंगे, और एक रूटेड प्लांट्स आपको यहाँ पे ऐसे मिलेंगे जो कि इमर्जेंट, जो पानी से बाहर निकल रहे होंगे, इमर्ज मीन बाहर। तो यहाँ पे दो तरह के जो प्लांट है, कुछ पानी के अंदर डूबे होते हैं और कुछ जो है वो पानी से बाहर भी आए होते हैं, इमर्जेंट प्लांट में कहते हैं।
इसके अलावा जो है एलजीबी यहाँ पर पाई जाती है, एलजीबी जो है यहाँ पे डीपेस्ट रीजन जो है, यानी एलजी डीपेस्ट जो रीजन है वहाँ पे भी, यानी नीचे जमीन के तह में भी, यहाँ पे बॉटम में भी एलजी मौजूद है और ऊपर सरफेस पे भी एलजी मौजूद होती है। अब हम बात करते हैं थर्ड जो यहाँ पे टाइप है, जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, वो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के लिए वर्ड यूज किया जाता है प्लांकटन्स। प्लांकटन्स क्या चीज है? प्लांकटन को जब आपने याद रखना, तो इसके लिए कुछ पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट ये है कि प्लांकटन जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है जी। प्लांकटन्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और ये फ्लोटिंग भी, ये फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म है, पानी के अंदर तैरते रहते हैं, ठीक है जी। माइक्रोस्कोपिक भी हैं और फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म भी ये हैं। प्लांकटन जो हैं ये दो तरह के होते हैं। कुछ प्लांकटन ऐसे होते हैं जो प्लांट्स की तरह के होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो हम उन्हें नाम देंगे फाइटोप्लांकटन्स। फाइटोप्लांकटन्स की एग्जांपल है जी, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट और बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया भी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, बट बैक्टीरिया फाइटोप्लांकटन्स नहीं है। फाइटोप्लांकटन्स की एग्जांपल फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। उसके बाद और भी यहाँ पे जो है, यहाँ जू प्लांकटन भी पाए जाते हैं। जू प्लांकटन जो है, यानी प्लांकटन तो का मतलब हो गया कि माइक्रोस्कोपिक होंगे, फ्लोट करने वाले माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग एनिमल्स, ये ऑर्गेनिज्म है। तो अगर कोई प्लांकटन एनिमल की तरह हो, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, तो हम उसे नाम देते हैं जू प्लांकटन। तो जू प्लांकटन के जो यहाँ पे एग्जाम्पल है वो है प्रोटोजुआ, अमीबा वगैरह जो है वो जू प्लांकटन में आ जाते हैं, और क्रस्टेशियंस वगैरह। तो यहाँ पे प्रोटोजुआ भी पाए जाते हैं और क्रस्टेशियंस भी पाए जाते हैं। इसके बाद जो है, प्रोटोजोआ एक डिफरेंट ग्रुप है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं एनिमल्स की। हमने प्लांट्स को डिस्कस कर लिया, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को भी डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करते हैं जी एनिमल्स को। लिटोरल जोन के अंदर एनिमल्स कौन कौन से? लिटोरल जोन के अंदर दो तरह के एनिमल हमें, हम बात करेंगे इस वक्त दो तरह के एनिमल्स की, वर्टिब्रेट्स की और इनवर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट यानी वो जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद हो, रीढ़ की हड्डी मौजूद हो, और इनवर्टिब्रेट वो जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद ना हो। वर्टिब्रेट यहाँ पे कौन कौन से हमें मिलेंगे जी? फ्रॉग मिलेंगे, अक्वाटिक स्नैक्स मिलेंगे, सांप मिलेंगे, टर्टल्स मिलेंगे यहाँ पे। इनवर्टिब्रेट एनिमल्स के अंदर हमें कौन कौन से एनिमल हैं जी? क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट के लार्वा, यानी कि इंसेक्ट जो अभी मेच्योर लार्वा से जो है अडल्ट फॉर्म में वो चेंज हो रहे होते हैं, यानी कह लें कि इंसेक्ट्स के जो छोटे बच्चे हैं उनको लार्वा कहा जा रहा है। स्नेल्स यहाँ पे मिलेंगे, फ्लैट वर्म्स मिलेंगे और हाइड्रा मिलेंगे। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ये हैं और वर्टिब्रेट्स के अंदर फ्रॉग, एक्वेटिक स्नेक और टर्टल्स मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है जी दूसरा जो जोन है, लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि लिम्नेटिक जोन जो है वो, अगर आप शोर से, साहिल से दूर आ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं, आप साहिल से काफ़ी दूर आ गए, तो हम उसे नाम देंगे कि ये लिम्नेटिक जोन है। लिहाजा लिम्नेटिक जोन को ओपन वाटर जोन भी कहा जाता है, यानी आप यहाँ पे देखेंगे चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। इसके अलावा ये अवे फ्रॉम शोर है, साहिल से दूर है, और यहाँ पर जो है अफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन होता क्या है कि जब रोशनी जो है, सूरज की जो रोशनी है लिम्नेटिक जोन में एक खास हद तक, वो लिम्नेटिक जोन पे जब पड़ती है लिम्नेटिक जोन पर, तो वो नीचे की तरफ जाती है लेकिन वो बॉटम तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि लिम्नेटिक जोन वाला इलाका बहुत गहरा इलाका है। इसलिए सूरज की रोशनी खास, मतलब कह लें कि गहराई तक ही पहुंच पाती है। इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन, इनफ लाइट कहते हैं, इतनी रोशनी पहुंच पाती है उस खास इलाके में कि वहां पे फोटोसिंथेसिस हो सके। यानी जिस लिम्नेटिक जोन के जिस रीजन में रोशनी पहुंच रही है, जितनी गहराई तक रोशनी जा रही है, उतनी गहराई तक जो है वो माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म है वहां पे वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। अब लिम्नेटिक जोन में ऑर्गेनिज्म कौन कौन से पाए जाते हैं जी? तीन तरह के ऑर्गेनिज्म हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहला जो है वो है फाइटोप्लांकटन्स। फाइटोप्लांकटन्स की बात हो चुकी है अभी थोड़ी देर पहले ही। फाइटोप्लांकटन्स में फिर आगे कौन कौन से, फाइटोप्लांकटन्स के अलावा यहाँ पे हमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं जी? फाइटोप्लांकटन्स ही के मतलब रिश्तेदार हैं, कैटेगरी में आ जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलजी भी इसको कहा जाता है, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना, वोल्वोक्स, ये सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं। और इसके अलावा जो है ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इट्स मीन कि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, और उनको हम प्रोड्यूसर भी कह रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। ये जो सारे फाइटोप्लांकटन हैं ये प्रोड्यूसर भी हैं। इसी तरह ज़ूप्लांकटन्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे ज़ूप्लांकटन्स के अलावा यहाँ पे प्रोटोजोआ और स्मॉल क्रस्टेशियंस मिलेंगे हमें, और जो बड़े एनिमल्स हैं उनमें हमें यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की फिशेज मिलेंगी।
इसके बाद जो है लिहाजा यहाँ पे प्लांट्स कोई नहीं है। ये देखें प्रॉपर जो प्लांट हमें नजर आ रहा है यहाँ पे कोई प्लांट नहीं नजर आ रहा, क्यों? क्योंकि गहराई बहुत ज्यादा है, प्लांट को ग्रो करने के लिए जो है वो बॉटम मट्टी चाहिए थी, यहाँ पे गहराई बहुत ज्यादा है, लिहाजा प्लांट इतनी गहराई में ग्रो नहीं करता। एनिमल्स जो है यहाँ पे मौजूद है इस जोन में। प्रोफंडल जोन, प्रोफंडल जोन जो है ये अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, अगर आप देखें यहाँ पे तो प्रोफंडल जोन जो है ये लिमनेटिक जोन के नीचे मौजूद है, ठीक है जी। तो प्रोफंडल जोन जो है जोन ऑफ डीप वाटर है, यानी ये गहरे इलाके, यहाँ पे गहराई बहुत ज्यादा होती है पानी की इस जोन में। इसके अलावा ये अंडर लिमनेटिक जोन है, लिमनेटिक जोन के नीचे है। लाइट डू नॉट पेनिट्रेट, ये इतनी गहराई में है कि यहाँ पे रोशनी भी प्रॉपर नहीं पहुंच रही होती, और इसलिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती, क्योंकि रोशनी नहीं पहुंच रही इसलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी नहीं है। रोशनी के ना होने की वजह से यहाँ पे अंधेरा छाया रहता है, इस वजह से इसे डार्क जोन भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे इनहेबिटेंट्स जो है, यहाँ पे जो इनहेबिटेंट्स का मतलब यहाँ पे जो रहायशी या जो यहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, ये फिर फूड कहाँ से लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही, इसलिए फूड फिर कहाँ से आएगी? तो ये फूड जो है, फूड खाने के लिए या तो ये लिटोरल जोन में चले जाते हैं, या फिर ये ऊपर जो है लिमनेटिक जोन में से अगर कोई डिट्राइटस वगैरह नीचे आ जाता है तो ये फिर उसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कौन कौन से पाए जाते हैं जी प्रोफंडल जोन में? प्रोफंडल जोन में प्रोड्यूसर देखें तो कोई भी नहीं है, नो प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर मीन खुराक को कंज्यूम करने वाले जो हैं, यहाँ के जो कंज्यूमर हैं डिट्राइटस फ्रॉम लिटोरल एंड लिमनेटिक, यानी लिटोरल जोन जो है वो साहिल वाले इलाके में अगर कोई चीज़ मर जाती है तो वहां से वो रन करके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आ जाती है प्रोफंडल जोन में, या लिमनेटिक जोन जो है, लिमनेटिक जोन में अगर कोई चीज जो है वो मर जाती हो, इसके ऊपर ही लिमनेटिक जोन है और वो ऊपर से फिर नीचे आके डूब जाए, बैठ जाएगी बॉटम पे, तो उसको डिट्राइटस कहा गया। तो यहाँ के जो एनिमल्स हैं ये इस तरह से लिटोरल से आई हुई फूड या लिमनेटिक से आई हुई फूड को यूज करते हैं, या अगर कुछ एनिमल खुद भी चले जाते हैं वहां पे, लेकिन ऐसा बहुत कम मिलता है कि एनिमल खुद वहां पे जाए। इसके अलावा यहाँ पे ऑर्गेनिज्म और कौन कौन से मिलेंगे? स्नेल्स मिलेंगे, इंसेक्ट के लार्वे मिलेंगे और फिशेस भी यहाँ पे मिलेंगी। डिकम्पोजर में कौन कौन से हैं? डिकम्पोजर भी यहाँ पे पाए जाते हैं इस इलाके में। डिकम्पोजर में कौन कौन से डिकम्पोजर हैं? दो ही बड़े डिकम्पोजर हैं जी इन्वायरमेंट में, बैक्टीरिया और फंजाई। उसके बाद जो है ये हमारा जो टॉपिक है जो लेक इकोसिस्टम का है ये यहाँ तक एंड होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डिविजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की डिवीजन। बच्चों अभी जो हमने इकोसिस्टम पढ़ा है वो इकोसिस्टम हमने वाटर का इकोसिस्टम पढ़ा है, ठीक है जी। और उसमें वाटर के इकोसिस्टम में हमने फ्रेश वाटर इकोसिस्टम यानी कि लेक इकोसिस्टम पढ़ा। अब हम वाटर से बाहर निकल रहे हैं, खुश्की पे आ गए हैं, तो खुश्की वाला जो इन्वायरमेंट होता है उसे हम नाम देते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, यानी जो हम खुश्की पे रह रहे हैं इसमें लैंड इन्वायरमेंट जो है। तो लैंड इन्वायरमेंट पे भी इकोसिस्टम बहुत तरह के एग्जिस्ट करते हैं, खुश्की पे भी कई तरह के इकोसिस्टम मौजूद हैं। इसी ज़मीन पर जो है हमें कहीं पे सहरा मिलता है, इसी ज़मीन पर जो है हमें कहीं पे जो है अब पहाड़ी इलाके मिल जाते हैं, पहाड़ों पर जो है हमें प्लांट्स मिल रहे हैं, इसी ज़मीन पर हमें कहीं पे बहुत बड़े बड़े ग्रास के जो है वो मैदान मिल रहे हैं। यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी बहुत तरह के हैं, फिर लैंड पर बहुत ज़्यादा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मौजूद। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की डिवीजन कौन कौन सी हैं जी? इसकी जो पहली डिवीजन है, जो मेन यहाँ पे डिवीजन है, पहली है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की डिवीजन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब यानी इस जमीन पर खुश्की पर जंगलात मौजूद है। जंगलात जो है तीन तरह के यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। पहली जो जंगल की यहाँ पे टाइप है फॉरेस्ट की, वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दूसरी जो टाइप है यहाँ पे टेम्परेट डिसिजुअस फॉरेस्ट, और तीसरी जो टाइप है वो है कोनिफरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद दूसरी जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बड़ी टाइप है वो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यहाँ पे ग्रास ही मौजूद है, ज्यादातर ग्रासेस होती हैं। तीसरी जो बड़ी टाइप है वो है डेजर्ट इकोसिस्टम, सहरा। और जो चौथी इसकी टाइप है वो है टंड्रा इकोसिस्टम, बर्फ वाला जो है ये इकोसिस्टम, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो मेजर पहले नंबर पे है टेम्परेट डिसिजुअस फॉरेस्ट। पाकिस्तान के अंदर टेम्परेट डिसिजुअस जो फॉरेस्ट हैं ये पाए जाते हैं, ये जंगलात यानी ये इकोसिस्टम मौजूद है। ये पाकिस्तान के कौन से इलाके में है, लोकेशन क्या है इसकी पाकिस्तान में? तो शोग्रान का जो इलाका है या वादी नीलम जो है, नीलम वैली, वहाँ पर ये जो जंगलात हैं वो उनको हम नाम देते हैं टेम्परेट डिसिजुअस फॉरेस्ट। इसी तरह से कोनिफरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये कौन से इलाकों में है जी? नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ कागान, मालम जब्बा,
मालम जब्बा स्वात के अंदर मौजूद है, दीर एंड चिलास के इलाकों में, यानी इन इलाकों के अंदर अगर आप जंगलात देखें तो जितने भी आपको जंगलात मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कोनिफरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। इसके बाद ग्रासलैंड भी पाकिस्तान में मौजूद है जी। ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाकिस्तान में कौन कौन से इलाके में, गिलगित में, गिलगित में देखें तो बहुत बड़े बड़े जो हैं घास के मैदान हैं, कश्मीर में, वजीरस्तान में, लोअर चित्राल में और नॉर्थ कलात के इलाकों में ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाया जाता है। डेजर्ट इकोसिस्टम भी पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान में सहरा भी मौजूद है। पाकिस्तान में डेजर्ट इकोसिस्टम जो है, पाकिस्तान में बच्चों सहरा तीन तरह के पाकिस्तान के सहरा के तीन मतलब क्या नाम हैं या तीन तरह के हैं। सिंध का जो सहरा है उसको हम नाम देते हैं थर का, ठीक है जी। और पंजाब के अंदर दो तरह के सहरा हैं, एक सहरा को हम नाम देते हैं थल का, ठीक है जी, एक जो सहरा है उसे थल का नाम देते हैं और एक जो सहरा है उसे चोलिस्तान का नाम देते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे जब डेजर्ट इकोसिस्टम की बात करेंगे। तो डेजर्ट इकोसिस्टम पाकिस्तान के मियांवाली बखर इलाके में भी है, फोर्ट अब्बास, बहावल नगर, यजमान, बहावलपुर के पास ये इलाका है, बहावलपुर, खानपुर और रहीम यार खान और सिंध, ये डेजर्ट इकोसिस्टम इन इलाकों के अंदर मौजूद है पाकिस्तान में। टंड्रा इकोसिस्टम भी पाकिस्तान में प्रेजेंट है। टंड्रा इकोसिस्टम पाकिस्तान में कहाँ पे जी, माउंटेन कराकरम जो माउंटेन है, कराकरम की जो पहाड़ियाँ हैं और जो कोह हिंदुकश है वहाँ पर जो इलाके हैं, वहाँ पर बर्फ जमी रहती है, वहाँ पे जो इकोसिस्टम है वो उसको हम नाम देते हैं टंड्रा इकोसिस्टम। इसके साथ जो है ये लेक्चर जो है कम्प्लीट हुआ।